हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। ये है लिनोवो का G50 सीरीज़ का लैपटॉप और ये इंटेल की बोर्ड है। इसका जो मेन रीज़न है, जो प्रॉब्लम है, वो ब्लैंक डिस्प्ले का हो या डिम डिस्प्ले, यही है इसका मेन प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे इमेज आ रहा है, ठीक है? देखो, थोड़ा सा मैं लाइट को बढ़ा देता हूँ। ये देखो, दिख रहा है। और ये देखो, फोटोशॉप और सॉफ्टवेयर जो कि दिखाई दे रहा है, गूगल क्रोम। तो डिस्प्ले का इमेज तो है बट लाइट नहीं है। तो ये जो लैपटॉप है, ये दोपहर को आया था मेरे पास, तो मैंने खोल के देखा था इसका इसका जो लाइट सेक्शन है, वहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया और वहीं पे मेन प्रॉब्लम था, ठीक है? तो अभी डिस्प्ले को खोलेंगे। तो सबसे पहले डिस्प्ले हम जब भी खोलेंगे तब हमारा बैटरी को निकाल लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? देन हम ये जो चारों तरफ क्लिप रहता है, क्लिप को हटा के इसको बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। ये हमारा निकल गया ऊपर का कवर, और चारों स्क्रू रहता है, चारों स्क्रू को खोलेंगे। खोल के मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोग सोच भी नहीं सकते इसके अंदर हुआ क्या है, ठीक है? तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं बहुत जल्द और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो ये चारों इसको निकाल लिया मैंने, अभी दिखा देता हूँ मैं कहाँ से मेन प्रॉब्लम है इसका। तो ये केबल को, पहले LVDS केबल को निकाल लेता हूँ मैं बाहर और दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि मैं दोपहर को तो इसको खोला था, खोल के थोड़ा सा साफ भी कर लिया। ये जो ढक्कन हटाना पड़ेगा पहले, प्लास्टिक की कवर। और ये देखो, ये इसका LED सेक्शन है, यहीं पे इसका प्रॉब्लम है, ठीक है? और जो मैंने दोपहर को खोला था तब यहाँ पे क्या था वो मैं दिखा देता हूँ, आप लोग देख के विश्वास नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो पहले आप वो फोटोज देख लो। पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा था, ठीक है? तो पहले आप लोग वो देखो। ये देखो, मैं दोपहर को इसको खोला था, इस साइड तो सही है बट यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे छोटा छोटा कीड़े मेड़ा पर आया है यहाँ पे। और कस्टमर ने भी कहा था कि उस उन्होंने देखा था बहुत दिन से। और यहाँ पे हीट होके ये जो कॉयल दिखा दे रहा है आप लोगों को, कॉयल भी गर्म होके ख़राब हो चुका है, क्योंकि मैं मीटर से नाप लिया है। और ये जो कैपेसिटर दिख रहा है बड़ा वाला, ये भी शॉर्ट हो चुका है, ठीक है? और ये भी, और ये फ्यूज़ फ्यूज़ भी उड़ चुका है। तो टोटल हमारा तीन कैपेसिटर, एक फ्यूज़ और एक कॉयल, ये सब हमारा फूट चुका है। तो इन चारों को बदल देंगे। तो अभी मैं ओल्ड जो डिस्प्ले है मेरे पास, ख़राब डिस्प्ले, उसमें से मैं इन चारों को कलेक्शन करूँगा।
तो पहले मैं ऐसे चेक करके निकालूंगा पहले, क्योंकि चेक नहीं करके लगाया अब तो बाद में देखा कि काम ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है शायद, ये रही, ये देखिए, ये फ्यूज़ था पहले, ये तीनों कैपेसिटर ओके एकदम। तो यहाँ तक सही है हमारा। तो अभी यह को मैं यहाँ से निकालूँगा, ये चारों पार्ट्स को। तो मेरे पास ब्लोअर है, तो ब्लोअर की मदद से मैं इसको निकालूँगा बाहर। आशा करता हूँ कि इन सबको बदल देने से ये हो जाएगा। तो मैंने ये जो चार पार्ट्स है उन पार्ट्स को मैं निकाल लिया है बाहर, और ये हमारा डिस्प्ले है, तो अब इसको रिप्लेस करेंगे। फ्रेंड्स देखो, ये जो प्रॉब्लम आता है ना कभी कभी, जो इसका जो मेन जो आपका फ्यूज़ रहता है, सिर्फ वो फ्यूज़ ही कटता है कभी कभी, ठीक है ना। तो अभी मैं ये जो ख़राब जो पार्ट्स है इसको बाहर निकाल लूँगा। ब्लोअर के हीट थोड़ा सा कम करना होगा, क्योंकि इसके बाजू में ही आपका वो कॉप जो होता है, कॉप रहता है, तो ज़्यादा अगर हीट देंगे तो वो कॉप ख़राब हो सकता है, तो ध्यान से करना होगा, ठीक है ना। तो एक एक करके पार्ट्स निकाल लिया मैंने, और ये एक एक करके मैं लगा दे रहा हूँ। ये हमारा फ्यूज़ चला गया, और ये जाएगा अभी आपका कैपेसिटर। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो तो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी आप दबा दो, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा तब आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स वीडियो बनाने में, तो वीडियो को लाइक करो और साथ ही साथ शेयर भी करो। तो थोड़ा सा इसका शोल्डर कम पड़ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसका सोल्डरिंग कर दिया हूँ, ताकि अच्छे से ये कैप लग जाए, ठीक है ना। ये लैपटॉप बहुत ही पुराना है, 6-7 साल तो हुआ ही है, कस्टमर 6-7 साल से यूज़ कर रहा है, तो प्रॉब्लम तो होना ही है वह, क्योंकि ये जो डिस्प्ले बहुत महंगा आता है। पहले तो कम था, लॉकडाउन के बाद डिस्प्ले का प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो उनका सिर्फ यही से ये ठीक हो गया है, ठीक है ना, कम पैसे में। तो अभी कॉइल को मैं लगा देता हूँ। अभी इसको थोड़ा सा सुखाएंगे, ठंडा करेंगे, देन क्लीन करके इसको मैं लगा दूंगा। अभी थोड़ा सा चेक करके देख रहा हूँ,
देखता हूँ कि सब कुछ सही से लगा है या नहीं। मेरे ख्याल से तो सब कुछ सही है, तो अभी इसको क्लीन करके इसको फिटिंग करेंगे। तो क्लीन करने का मेरे पास जो है डुको का थिनर मैं यूज़ करता हूँ, और अच्छा है। थिनर यूज़ करने के बाद उसको हम कॉटन से या टिश्यू पेपर से उसको जब उसको क्लीन करेंगे तो ये नया जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो कॉइल के पास जो प्लास्टिक इसका गल गया था उसके ऊपर नया से टेप लगा दिया मैंने। देखो दोस्तों, इतना हीट हुआ है कॉइल के प्लास्टिक भी गल गया, बहुत मोटा प्लास्टिक रहता है। तो अभी केबल को लगा देता हूँ और इसको चेक करने का बारी आ गया। अभी इसको फटाफट फिटिंग कर लेता हूँ और पावर दे के देखते हैं। ये मैंने पावर दे दिया, ये देखिए एक ही बार में ये चालू। अब तो वीडियो लाइक करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको 15-20 मिनट तक चलाऊंगा, फिर कस्टमर को मैं दे दूंगा इसको, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक करना। थैंक यू अगेन।